हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल स्कैनिंग। आप सबका दोबारा से मेरे इस छोटे से चैनल लीगल स्कैनिंग पे बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आपको जो मेरी वीडियोस है वो काफ़ी पसंद आती होंगी, इंटरेस्टिंग लगती होंगी, और अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर से सब्सक्राइब करें मेरे इस छोटे से चैनल को, सो दैट कि आपको आगे जो आने वाली मेरी जो वीडियोस है बेल आइकन ज़रूर दबाएं कि वो आपको जो नोटिफिकेशन है वो हमेशा आपको मिलता रहे मेरी जो अपकमिंग वीडियोस होती हैं उनके लिए। ओके, तो आज की इस वीडियो का बनाने का जो मेरा पर्पज़ है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, या फिर बोल सकते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। किसका है वो? सोशियोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और हमें जानना भी बहुत ज़रूरी है कि वो एक्चुअली होता क्या है। व्हाइट कॉलर क्राइम्स, इसके बारे में शायद ही आपने सुना होगा या फिर कईयों ने सुना भी होगा, बट एक्चुअली में व्हाइट कॉलर क्राइम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो किनके द्वारा कमिट किए जाते हैं, वो कैसे कमिट किए जाते हैं, वो जो क्राइम्स होते हैं क्या वो दूसरे क्राइम से कुछ अलग होते हैं या कुछ वैसे ही होते हैं, तो इसके रिगार्डिंग हम इस वीडियो में करेंगे बात। तो चलिए फटाफट से करते हैं हम अपनी वीडियो को स्टार्ट। देखिए, व्हाइट कॉलर क्राइम, ठीक है, कॉलर का मतलब क्या है? अब ऐसी चीज़, कॉलर का मतलब ये होता है, ठीक है, कॉलर यहाँ पे ये डिपिक्ट करता है कि आपका एक पोजीशन है, ठीक है। अब आप उसके अंदर ही अंदर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं क्या है, वो सही नहीं है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इलीगल है ना, ये होता है। तो व्हाइट कॉलर क्राइम बेसिकली उन लोगों के द्वारा कमिट किया जाता है, जाते हैं जो कि सोसाइटी में एक क्या है, रेप्यूटेड ग्रुप ऑफ सोसाइटी से वो बिलोंग करते हैं, या फिर सोसाइटी में वो एक क्या करते हैं, पोजीशन, जो कि ऐसी पोजीशन होल्ड करते हैं जिसका कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होता है। इसका मतलब होता है व्हाइट कॉलर क्राइम, मतलब उन लोगों के द्वारा जो क्राइम कमिट किए जाते हैं वो बेसिकली होता है व्हाइट कॉलर क्राइम, मतलब कि वो जो उनका रेप्यूटेशन है या फिर वो जो उनका पोस्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या है, हाई वैल्यूड है, उसके अंडर जब वो ऐसा कोई क्राइम करते हैं तो उसे हम कहते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम। अब ये जो बेसिकली इसमें जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से बोल सकते हैं कि एलीट लोग भी होते हैं, ठीक है, या फिर बहुत ही ज़्यादा लिटरेट लोग होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड हो, ऐसे भी लोग होते हैं। तो इन लोगों के द्वारा जो क्राइम्स कमिट किए जाते हैं वो होते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम। अब इनके द्वारा कौन कौन से क्राइम कमिट किए जा सकते हैं, जैसे कि आपका हो गया ब्राइबरी, कोई भी आप गवर्नमेंट ऑफिस में गए, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिस जो उसमें जो पोस्ट होती है वो ऑब्वियसली बात है कि वो हाई वैल्यूड पोस्ट होती है ना। अब वहाँ पे आप गए और आपको कुछ अपना करवाना है काम, उसमें आपका काम करने के लिए उन्होंने क्या आपसे पैसे मांगे, उसका मतलब क्या है, ब्राइबरी, मतलब वो आपसे घुस ले रहे हैं, है ना। अब उसके बाद क्या हुआ, ये एक करप्शन को लीड करता है ना, जब आप घुस लेंगे किसी भी इंसान से, वो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होगा वो जब घुस लेगा, ठीक है, ब्राइबरी लेगा, तो वो क्या होगा, उससे करप्शन होगा। ऐसे ही फ्रॉड भी कर सकते हैं, ठीक है, व्हाइट कॉलर क्राइम के अंदर। तो ऐसे कई सारे क्राइम्स हैं जो कि व्हाइट कॉलर क्राइम के अंदर में करते हैं लोग जो कि हाई प्रोफाइल होते हैं या फिर हाई वैल्यूड होते हैं, और बेसिकली इनको आजकल की टेक्नोलॉजीज का काफ़ी ज़्यादा ज्ञान होता है, ये भी हम बोल सकते हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा कि पिछले भी सालों में हमने देखा है, या फिर रिसेंटली एक बात बताया जाए तो एक आईएएस ऑफिसर थी, उनके घर से बहुत सारे पैसे मिले, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बट आई थिंक बहुत सारे उनके घर से पैसे जब्त हुए हैं जब वहाँ पे गए, मतलब लोग क्या बोलते हैं उसको, जब वहाँ पे लोग पहुँचे, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिस से लोग पहुँचे वहाँ पे देखने के लिए, उनके घर में कहीं से भी पता चला होगा तो उनको बहुत सारे पैसे वहाँ से निकले, जब्त किए हैं उन्होंने। तो क्या वो एक आईएएस ऑफिसर थी, मतलब कि सोसाइटी में एक उनकी बहुत ही रेप्यूटेड पोस्ट थी, है ना, वो बहुत ही ज़्यादा रिकग्नाइज्ड की जाती थी। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके अंदर जो अपना पोस्ट है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी में, अब वो रेप्यूटेड पोस्ट उनका था, उसके अंदर ही अंदर उन्होंने कुछ ऐसा क्राइम किया और उसके बाद ही ये जो उनके घर से पैसे निकले हैं वो मिले हैं।
तो वाइट कॉलर क्राइम्स जो होता है वो हमें ऐसे लोगों के द्वारा जो क्राइम कमिट किया जाता है वो हमें देखने को मिलता है। अब वो चाहे एजुकेशन के फील्ड में हो गया, हेल्थ के फील्ड में हो गया, या फिर आप बोल सकते हैं ट्रेड कॉमर्स कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होते हैं उनके जो CEOs होते हैं, या फिर उनमें जो बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर जो लोग रहते हैं उनके द्वारा भी जो क्राइम्स कमिट किए जाते हैं वो भी आते हैं वाइट कॉलर क्राइम्स से, है ना। तो आई होप कि आपको ये जो वाइट कॉलर क्राइम है ये एज अ कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लगा और टॉपिक जो है वो कहीं ना कहीं आपको इंटरेस्टिंग लगा हो। तो हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं सो दैट कि आपको मेरी अपकमिंग जो वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।